हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू वीडियो लेके आ गया। तो दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो लेके आया हूँ। इसका रीज़न है दोस्तों, मैंने पर्सन अरसा वैक्सीन लगवाई है, तो इसीलिए दोस्तों मैं रेस्ट कर रहा था। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए दोस्तों मैं वीडियो थोड़ा लेट डाल पा रहा हूँ। और दोस्तों, एक और रीज़न है कि वीडियो पे व्यू काफ़ी कम आ रहे हैं। ठीक दोस्तों, यानी वीडियो डालो तो एक व्यू आता है, दो व्यू आता है, इसलिए वीडियो डालने का मन भी नहीं करता। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं दोस्तों डेली का डेली लेटेस्ट एप्लीकेशन लेके आप लोगों को लेके आया करूँगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन लेके आया हूँ। ये एप्लीकेशन जैसे कि अगर आप कोई भी फाइल डाउनलोड करते हो तो आपको एक्सट्रैक्ट करने में काफ़ी मदद करती है, चाहे वे गेम की फाइल हो या फिर अदर फाइल हो। तो ये फाइल आप लोगों के उस एप्लीकेशन में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगी। ठीक दोस्तों, जैसे कि अगर आप लोग फ़ोन में वे एप्लीकेशन नहीं है तो फाइल सपोर्ट नहीं करती, लेकिन दोस्तों अगर वे एप्लीकेशन आप यूज करते हो तो आप काफ़ी अच्छे से फाइल यूज कर पाओगे। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज मैं इसी एप्लीकेशन का रिव्यू करने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं उस एप्लीकेशन पे ओपन हो जाता हूँ। तो इस एप्लीकेशन का नाम दोस्तों ZRQ एप्लीकेशन है। तो जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैं एप्लीकेशन पे ओपन हो चुका हूँ। तो इसमें आप देख पा रहे हो काफ़ी सारे फोल्डर्स हैं। ठीक दोस्तों, तो मैं आपको अपने फाइल्स पे मेन फाइल्स जो है तो उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कौन कौन सी फ़ाइल डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ और मैं कैसे इसे एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। ठीक दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पे काफ़ी सारी फ़ाइल डाउनलोड करके रखा हुआ है। ठीक दोस्तों, तो अब यही फाइल मैं इसी एप्लीकेशन में वे करूँगा। ठीक दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर ZRQ में देख रहे हो तो आपको यहाँ पर जो जहाँ पे आप डाउनलोड करके रखे होंगे तो आपको उस फंक्शन पे जाना है। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि काफ़ी सारे फाइल है, तो मैं यहाँ पे एक फ़ाइल ले लेता हूँ। तो इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन दे देता है, जैसे कॉम्प्रेस, कंप्रेशन, कॉपी, कट, डिलीट, रीनेम। ठीक दोस्तों, इसके बाद जब आप दोबारा क्लिक करोगे तो इसमें आपको एक्सट्रैक्ट का मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, तो इसमें जब आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ही एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसमें आपको पासवर्ड बनाना पड़ता है, जैसे आप पासवर्ड डाल दोगे तो ये ऑटोमेटिकली ही ओपन हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसके बाद इसमें और क्या है, इसमें जैसे कि आप एक्सट्रैक्ट हियर है तो इसमें भी आपको पैसा यानी बनाना पड़ता है पासवर्ड। ठीक दोस्तों, इसके बाद जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इसमें आपको कॉपी का मिल जाएगा, यानी आपको इस एप्लीकेशन को अगर आप किसी भी फाइल फोल्डर पे पेस्ट करना चाहते हो तो आप काफ़ी आसानी से पेस्ट कर सकते हो। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये दूसरी फाइल कॉपी हो चुकी है, और अगर आपको इसको डिलीट करना हो तो आप आसानी से यहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से इसको और कॉपी कर लेता हूँ। जैसे मुझे ये फायरफॉक्स के अकाउंट में इसे पेस्ट करना है तो मैं सिंपल यहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर दूँगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये फाइल यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। तो इसमें आपको बहुत सारे सिस्टम मिल जाएंगे, इसमें आपको सेटिंग में बहुत सारे सिस्टम मिल जाएंगे, अपने हिसाब से आप यहाँ पर रूट भी कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको रूट करना हो आप यहाँ पे फाइल लिस्ट के फोल्डर बना सकते हो, आप यहाँ पे जनरल पे देख सकते हो, आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हो। तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। अगर आपको दिक्कत हो रही हो फाइल को दूसरे फाइल पे अपलोड करने के लिए तो ये अपलोड करने के लिए काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। तो आप इस एप्लीकेशन की मदद से आप काफ़ी अच्छे से फाइलों को दूसरे यानी दूसरे फाइल पर डाल सकते हो। ठीक दोस्तों, यानी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, आपको जो भी करना हो इसमें आप काफ़ी आसानी से कर सकते हो। इसमें आप दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ डाउनलोड के ऑप्शन में, अगर आपके में APK होता है जो तो वे APK आपके फ़ोन पे इंस्टॉल नहीं होता, लेकिन अगर आप डाउनलोड करते हो तो आपके फ़ोन पे इंस्टॉल डायरेक्ट नहीं होता। तो आप इस ZRQ की मदद से आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक दोस्तों, तो मैं सिंपल जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो क्लिक करूँगा और इंस्टॉल के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सेटिंग मांग रहा, तो मैं सेटिंग में जाके इसे इनेबल कर दूँगा। ठीक दोस्तों, तो आपको इसी तरह करना है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इंस्टॉल का ऑप्शन आ चुका है। तो आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से अदर एप्लीकेशन की वेबसाइट यानी APK डाउनलोड करके आसानी से ओपन कर सकते हो। ठीक दोस्तों, तो ये एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, और ये दोस्तों जो गेम खेलते हैं उनके लिए ये भी काफ़ी अच्छी है, गेम खेलने वालों के लिए।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।